श्री शिवाय नमस्तु भीम। दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी को पता है 14 जुलाई से सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है और हर शिव भक्त इस माह की प्रतीक्षा करता है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास भी करते हैं हम सभी। कोई जप करता है, कोई तप करता है, तो कोई व्रत भी करता है, क्योंकि ये पूरा माह महादेव की भक्ति का होता है। तो इस माह कुछ लोग पूरे माह का व्रत धारण करते हैं तो कुछ लोग सावन सोमवार का व्रत धारण करते हैं। तो आज का वीडियो इसी को लेकर है कि आपको व्रत के दौरान जब आप सावन सोमवार व्रत करते हैं तब आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, फलाहार आपका कैसा होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के पूरे माह हम भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में होते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं, जप और तप करते हैं। तो व्रत जब हम धारण करते हैं तो देखिए व्रत के नियम क्या होने चाहिए। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह का जब वह पूजन कर लेते हैं उसके बाद वह चाय पानी जूस वगैरह ले लेते हैं और फिर रात्रि में एक समय भोजन कर लेते हैं। तो कुछ लोग शाम की पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सुबह की पूजा हो जाती है उसके बाद फलाहार ग्रहण कर लेते हैं और शाम के समय भोजन कर लेते हैं। तो देखिए हर कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्रत करता है, जैसा उसने संकल्प लिया होता है। परंतु शास्त्रों में जो सावन सोमवार के व्रत बतलाए गए हैं, जो शिव महापुराण में वर्णन है और जो नियम कहलाता है व्रत का, वह यह है कि जब आप सुबह की पूजा करके आ जाते हैं, चाहे वह पूजा देखिए आप अपने घर में कर सकते हैं, चाहे वह मंदिर में कर सकते हैं, तो जब आप सुबह की पूजा कर लेते हैं, वैसे तो देखिए प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो कुछ लोग उसके पश्चात ही कुछ ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा हो आप उस अनुसार व्रत कर सकते हैं, परंतु नियम क्या कहता है वह भी जान लीजिए। सवेरे पूजा करने के पश्चात आप अपने घर जब लौट कर आते हैं, क्योंकि सावन में दूध की मनाही होती है, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप दूध के रूप में देखिए आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, या चाय कॉफ़ी नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी लिक्विड जिसे जूस बोला जाता है या कोई दही की लस्सी आप चाहे वो बना के ले सकते हैं, परंतु सीधा दूध ग्रहण नहीं किया जाता सावन माह में, क्योंकि वातावरण ऑलरेडी बारिश का होता है तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दूध का सेवन सावन के दौरान वर्जित माना जाता है। अब देखिए आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार, यदि आप रह सकते हैं दिन भर बिना कुछ खाए पिए और शाम को एक समय भोजन करना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं, नहीं तो आप दिन में कुछ भी लिक्विड चीज़ों को ले सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न ये आते हैं, क्या हमें व्रत के दौरान नमक खाना चाहिए, क्या हमें भोजन करना चाहिए। तो देखिए जो सावन सोमवार के जो व्रत होते हैं उसमें अनाज के सेवन करना वर्जित बतलाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा यदि हम 16 सोमवार करते हैं, हम प्रदोष करते हैं, हम चतुर्थी करते हैं, या चतुर्दशी के जो व्रत होते हैं साप्ताहिक सोमवार होते हैं, उसमें हम एक समय भोजन करते हैं परंतु वह मीठा भोजन होता है, क्योंकि शिवजी के व्रतों में नमक का सेवन वर्जित बतलाया गया है। तो हम उस दौरान मीठा भोजन करते हैं, हम हलवा बना के खा लेते हैं, कई बार हम पूड़ी खा लेते हैं या पूड़ी को दही के साथ में खा लेते हैं, तो एक तरह का अनाज हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि 16 सोमवार में हम चूरमा बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अनाज से बनती है। परंतु जो सावन सोमवार के व्रत हैं उन्हें फलाहारी व्रतों की श्रेणी में रखा गया है, फलाहारी व्रत अर्थात इसमें अनाज का सेवन वर्जित बतलाया गया है। अब देखिए हर किसी के व्रत करने के नियम अलग अलग होते हैं, परंतु जो शास्त्र कहते हैं मैं वही नियम आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसके अंदर नमक का सेवन तो वर्जित है, परंतु यदि कोई गर्भवती महिला है या आपकी शारीरिक क्षमता कई बार नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत सारी समस्याएं क्योंकि इस रूटीन में कई बार हमें चलती रहती हैं कि कई बार हम बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, तब आप सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो। और यदि आपकी शारीरिक क्षमता है तो आपको व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है जब हम शाम को व्रत खोलेंगे तो फलाहार में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए शाम के समय भोजन में आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा ले सकते हैं, पीठे का हलवा बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वैसे भी खा सकते हैं,
या आलू का हलवा बनता है, मोरधन की खीर बनती है, तो मीठे जो भी फलाहारी भोजन है आप वो ग्रहण कर सकते हैं। सावन का व्रत यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको अखरोट और बादाम भी ज़रूर खाने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही साथ जब आप व्रत रखते हैं तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होती है। और इस दौरान यदि आपसे सहन नहीं होता है, आप दिन में लिक्विड कुछ चीज़ें लेते हैं, तो आप फ्रूट्स जूस ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी। तो अगर आप देखिए चाहते हैं या जब आप व्रत खोलते हैं या जिस भी समय आपको लगता है आप कुछ खाना चाहते हैं, क्योंकि नमक का सेवन तो वर्जित बतलाया गया है, तब आप आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एसिडिटी भी नहीं होगी और आपको थकान भी फील नहीं होगी। और यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत के दौरान आपको गुड़ का सेवन भी आप कर सकते हैं। गुड़ में आयरन होता है, जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। व्रत के दौरान आपको वीकनेस फील नहीं होती, जैसा कि कई बार हमें लगता है हमें बहुत कमजोरी फील होती है, हम व्रत नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई है आप इनका सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान देखिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, इससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आपको वीकनेस फील नहीं होती। आप अपने व्रत के दौरान सभी मौसमी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, परंतु घर के बने हुए ही लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि शारीरिक क्षमता है तो नमक का सेवन ना करें। इसके बाद में देखिए, कुछ लोग नहीं भूखे रह पाते हैं, तो आप मखाना ले सकते हैं, आप मूंगफली ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उन्हें फ्राई करने के लिए। कई बार हम मखाने वगैरह फ्राई करते हैं, मूंगफली फ्राई करते हैं, तो घी का प्रयोग आपको करना चाहिए, शुद्ध देसी घी जो होता है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, नहीं है तो पतंजलि का घी आप ले सकते हैं, परंतु तेल का प्रयोग व्रत के दौरान नहीं किया जाता है। तो आप सभी तरह के देखिए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, परंतु बाजार के ड्राई फ्रूट्स आप सिके हुए नहीं लीजिएगा। उस पर लिखा होता है कि व्रत के लिए है, परंतु उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, तो यदि आपने बिना नमक के व्रत रखे हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, दूध दही को आपको डायरेक्ट नहीं लेना होता है। दूध या दही से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, या जो भी दूध से बनी अन्य सामग्री है वह आप ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान आपको मसाले नहीं खाने चाहिए। और कुछ लोग जो यदि नमक पे व्रत कर रहे हैं और एक समय भोजन करते हैं, तो उन्हें भी विशेष तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले का प्रयोग ना करें। अपने खाने में आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं, धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, कड़ी पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, और किन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है वह भी समझ लीजिएगा। सावन के व्रत में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं और आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। व्रत के दौरान आपको डायरेक्टली जैसे कि कई बार हम पनीर खा लेते हैं बनाकर, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें दूध से जो बनी हुई डायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो खाने से हमारी बॉडी के अंदर वात जो पित्त के जो दोष होते हैं वह भी उत्पन्न होते हैं। सावन के दौरान देखिए आपको व्रत में आपको बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए, आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तो बस यही कुछ छोटे छोटे नियम थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे। वापस से बताना चाहूँगी, जैसा आप संकल्प लेते हैं व्रत का, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है आप उस अकॉर्डिंग व्रत कर सकते हो, परंतु व्रत में जो भी आप खाना चाहते हैं वो एक बार एक ही जगह पर बैठकर खाइएगा। बार बार चलते फिरते खाने से व्रत खंडित होता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस खाने में ही लगा रहता है। व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का जाप करना चाहिए, शिव नाम का जाप करना चाहिए, शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि महादेव की भक्ति ही सर्वोप्रिय है। क्योंकि क्या होता है, व्रत के दौरान हमारा दिमाग खाने में इतना ज़्यादा रहता है कि हम भगवान की भक्ति तो भूल ही जाते हैं। तो बार बार मुंह झूठा ना करें, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार आप व्रत करें, क्योंकि श्रावण सोमवार फलाहारी व्रतों की श्रेणी में आता है। तो जो भी आप ग्रहण करें वो फलाहार ही ग्रहण करें, अन्न का सेवन ना करें। तो बस यही वीडियो के माध्यम से मैंने बतलाना चाहा आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे व्रत को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और श्रावण मास संबंधित और भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।